विश्वव्यापी कोरोना महामारी को लेकर भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन किया गया है, जिसके चलते आगामी 14 अप्रैल तक भारत पूरी तरह से बंद रहेगा। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद के लिए सरकार के साथ साथ अब सामाजिक संस्थाएं भी आगे आने लगी है। इसी के चलते जबलपुर मोक्ष मानव जन उत्थान समिति इस मुसीबत की घड़ी में भोजन का वितरण का कार्य कर रही है। समिति द्वारा रेलवे स्टेशन, ज्योति टॉकीज, रसल चौक, ग्वारी घाट, कटंगा, दमोह, नाका, रानीताल यादव कॉलोनी, गोरखपुर, शारदा चौक, मेडिकल बाईपास, लमेहटा घाट, शास्त्री नगर, गड़ा बाजार, गुलोवा चौक आदि स्थानों पर मजदूरों के बीच भोजन का वितरण किया गया। स्टेशन पर तो ले लेते हैं। खड़े कर लो दो जन को तो मतलब जेते लाई थी समझी बोल दे वापस कर देना सब मुंह बांध के मुंह में कपड़ा रख के हां बोल दावर हमारा जो पता। वहीं अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे मरीजों के परिजनों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें मुफ्त में मास्क का वितरण किया, ताकि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सके। आज देश जिस विपदा पे है और कोरोना वायरस के वजह से सारे लोग प्रभावित हैं, जिसके लिए मोक्ष के माध्यम से हम लोग लगभग 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, जिसमें अज्ञात छुपों और निशाह लोगों की सेवा करते हैं, लावारिस लोगों की। इसी क्रम में विगत 4 दिनों से हम लोगों ने सड़कों में मास्क बांटे हैं, सारे सेवा संस्थानों ने भोजन की व्यवस्था बंद कर दी है मरीजों के परिजनों के लिए और सड़कों पर लाचार मजदूरों के लिए, तो उनके लिए हमारे द्वारा भोजन की व्यवस्था की जा रही है। संभावित मास्क प्रदान किए जा रहे हैं, सड़कों से शवों को उठाकर उनका विधिवत संस्कार किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से इन पर रोकथाम हो, कोई भी ऐसी वजह न बने जिसकी वजह से इस कोरोना वायरस में सहयोग मिले और ऐसी भ्रांति या फिर ऐसा कोई रोग फैले जिससे लोगों को तकलीफ हो। तो हम लोगों ने बहुत सारी सेवाएं चालू कर रखी हैं, जिसमें हम लोगों को भोजन से लेकर उनको दवाएं और उनको मास्क वितरित कर रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि संस्कार दानी और देश से कोरोना मुक्त किया जाए। और हम एक सिपाही की तरह, हम सारे सदस्य इस मूलभूत व्यवस्था में प्रशासन के साथ हैं और इस देश के साथ हैं, और एक प्रहरी बनकर हम सारे प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले जबलपुर में ही एक साथ कोरोना वायरस से पीड़ित 4 मरीज सामने आए थे, जिसके बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लगाकर आम जनता के साथ सख्ती से इसका पालन भी कराया था। ऐसे में गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए अब सामाजिक संस्थाएं आगे आने लगी हैं। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।